हेलो। आज पाइथन प्रोग्राम डेवलप करेंगे जो कि किसी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करेगा। जैसे कि 100 में 3 डिजिट है, 99 में 2 डिजिट्स हैं, 10 में 2 डिजिट्स हैं और 4 में ओनली 1 डिजिट है। तो ऐसा प्रोग्राम डेवलप करेंगे। प्रोग्राम डेवलप करने के लिए फाइल न्यू फाइल पर क्लिक करें। नंबर को यूजर से इनपुट कराएंगे, इसलिए एक वेरिएबल लेते हैं नाम, और ये नंबर होगा इंटीजर टाइप का। यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके बाद एक प्रॉम्प्ट देना है कि यूजर नंबर को इनपुट करे। तो यहाँ पर हमारा प्रॉम्प्ट है एंटर अ नंबर। ओके, एंटर अ नंबर। और यहाँ पर जो लिमिट है 0 to 999 है, 0 to 999 लिमिट है। ओके, ये नंबर एंटर किए जाएंगे और मैंने इसको क्लोज कर दिया है सिंगल कोट से। ओके, और ये ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। अब हमें जो इनपुट किया गया नंबर है उसको चेक करना है इफ कंडीशन से। इफ नाम इज लेस देन 0 देन एक मैसेज प्रिंट होगा, इनवैलिड एंट्री। ओके, तो हम मैसेज प्रिंट कर देते हैं इनवैलिड एंट्री। हम प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट इनवैलिड एंट्री, इनवैलिड एंट्री। ओके, नेक्स्ट कंडीशन होगा कि जो नम है लेस देन 10 हो। तो इसके लिए हम एलिफ का इस्तेमाल करेंगे। एलिफ नम इज लेस देन 10। ओके, तो ये सिंगल डिजिट नंबर होगा। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट सिंगल डिजिट। यहाँ पे हमने लिख दिया सिंगल डिजिट। ओके, इसका इंडेंट सही कर देते हैं। इसके बाद एक और कंडीशन चेक करेंगे, एलिफ नम इज लेस देन 100। ओके, नम लेस देन 100 देन इसमें क्या होगा, डबल डिजिट प्रिंट। ये इधर प्रिंट करेंगे डबल डिजिट, डबल डिजिट। ओके, इसके बाद एल्स एलिफ एलिफ नम इज लेस देन और इक्वल टू 999। तो इसमें जानते हो आप कि 3 डिजिट है, तो आप लिखेंगे 3 डिजिट नंबर प्रिंट 3 डिजिट नंबर नंबर। एल्स प्रिंट करें आउट ऑफ रेंज और इनवैलिड एंट्री एंट्री। अगर नंबर जो है मोर देन 999 है या 9999 से ज़्यादा है तो उस नंबर को चेक नहीं करना है, और उसके लिए हम एक मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं इनवैलिड एंट्री। ओके, और ये प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया। चलिए चेक करते हैं प्रोग्राम को रन करके। प्रोग्राम को रन किया हमने, इसका नाम रखते हैं काउंट डिजिट। काउंट डिजिट नाम से सेव कर दिया।
वाज नेवर क्लोज्ड। देखिए इसमें दो ब्रैकेट हमें क्लोज करने पड़ेंगे। रन करते हैं प्रोग्राम को। देखिए इसमें हम नंबर जो है लेस देन -1 एंट्री करेंगे, तो हमने -4 एंटर कर दिया, तो देखिए इनवैलिड एंट्री बता रहा है। ठीक है, इनवैलिड एंट्री बता रहा है। इसके बाद फिर से प्रोग्राम को रन किया और इस बार एंट्री की हमने 5, तो सिंगल डिजिट बता रहा है। फिर से प्रोग्राम को रन किया और इस बार हमने 45, डबल डिजिट बता रहा है, और इस बार एक न्यू नंबर एंटर किया हमने 850, थ्री डिजिट बता रहा है। ठीक है, और इस बार हम एंटर करेंगे 1000, 1000, तो फोर डिजिट नहीं बताएगा क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग जो है 999 तक ही किया है, तो ये बताएगा इनवैलिड एंट्री। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करिए। कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि आपको कहाँ पर समझने में दिक्कत हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आए इसके लिए कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि पाइथन से रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लास 11 और क्लास 12 की कंप्यूटर साइंस पाइथन कोडिंग प्रैक्टिकली अच्छी तरह से सीखने के लिए, अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए बोर्ड एग्जाम में ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप को अवश्य ज्वाइन करें। थैंक यू।